हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है सीनियर साइंटिस्ट और साइंटिस्ट की पोजीशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप जो है मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों, जो मैं बात आपसे बात करने जा रहा हूँ ये है सीनियर साइंटिस्ट और साइंटिस्ट रिलेटेड पोजीशन से, जो कि सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूट में सीनियर साइंटिस्ट और साइंटिस्ट की पोजीशन है उसे निकाला गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। तो देखिए, इन्होंने जो है नंबर ऑफ पोस्ट विद रिजर्वेशन भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो अगर बात करें सीनियर साइंटिस्ट की, तो सीनियर साइंटिस्ट 3 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व है। पे स्केल है लेवल 12 का 78,800 टू 2,09,200। वही एमोलुमेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 1,09,016 रुपीज। साथ ही साथ इन्होंने अपर एज लिमिट भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है जो कि 37 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वही अगर बात करें साइंटिस्ट की, तो साइंटिस्ट की 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व है। पे स्केल यहाँ पे 67,700 टू 2,08,700 है और जो एमोलुमेंट्स यहाँ पे आपको मिलेगा वो मिलेगा 94,253 और जो अपर एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहली पोस्ट है वो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी में, जो कि डिजिग्नेशन सीनियर साइंटिस्ट है। यहाँ पे आपको कोई भी पीजी डिग्री होनी चाहिए, जैसे एमई या एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग या बायो केमिकल इंजीनियरिंग में, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगी एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल रिकॉम्बिनेंट माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। ठीक है, और सारे जॉब रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू कंसीव एंड अंडरटेक इंडस्ट्री ओरिएंटेड अप्लाइड रिसर्च इन द एरिया ऑफ रिकॉम्बिनेंट माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आपकी क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या क्या आपको जो जॉब रिक्वायरमेंट मिलेगा। वहीं बात की दूसरी पोस्ट की, तो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की पोस्ट है, ये भी सीनियर साइंटिस्ट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की पोस्ट जो कि सीनियर साइंटिस्ट है। बिजनेस डेवलपमेंट की जो एक पोस्ट है वो है साइंटिस्ट। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी जो है एलिजिबिलिटी और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और आपको क्या काम करना पड़ेगा वो सब यहाँ पे मेंशन कर रखा है। वहीं अगर बात करें बेनिफिट की, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा डीए यानी डीएनएस अलाउंस मिलेगा, एचआरए आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो है आपको कुछ और बेनिफिट मिलेंगे, जैसे न्यू पेंशन स्कीम 2004 के अकॉर्डिंग आपको पेंशन भी मिलेगी और रीएम्बर्समेंट और मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है वो एज पर सीएसआईआर रूल आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और कंडीशन भी देख लेते हैं हम, कुछ और इंपॉर्टेंट कंडीशन देख लेते हैं, जैसे कि एज लिमिट ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है और देखते हैं कुछ। तो देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन देख लीजिए दे रखा है, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, वहीं अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करना है तो आपको www.iiim.res.in पे जाना है और यहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, डुली कम्प्लीटेड एप्लीकेशन आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिलअप करना है, साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे अटेस्टेड कॉपी लगानी है, मीन्स आपको अपने सर्टिफिकेट पे खुद सिग्नेचर करना है जेरोक्स सर्टिफिकेट पे और उसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा क्या आपको अटेस्टेड कॉपी लगी सर्टिफिकेट की, मार्कशीट की, टेस्टिमोनी इन सपोर्ट ऑफ एज, इसके लिए आप 10th की मार्कशीट यूज कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, रिप्रिंट्स ऑफ पब्लिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं या टेस्टिमोनियल्स आपको भेजने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, साथ साथ आपको वन जो है आपको सेल्फ साइन फोटोग्राफ भेजनी पड़ेगी और एड्रेस क्या है, एड्रेस आपको भेजना पड़ेगा टू द डायरेक्टर सीएसआई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन कैनाल रोड जम्मू। ठीक है, और आपको एनवेलप पे मैसेज करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश और पोस्ट कोड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही साथ आपको जो है एप्लीकेशन फी भी पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो फी है वो है 100 रुपीज। ठीक है, और ये जो है 100 रुपीज है इसको आप डीडी भी बनवा सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो ब्रांच नेम बैंक नेम दे रखा है तो डायरेक्टली आप जो है अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और उसका रिसिप्ट जो है आपको लगाना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका जनरेटर एक्नॉलेजमेंट या एमटर एप्लीकेशन फी जो जनरेट होगी, उसमें जो आपका यूटीआर नंबर या ट्रांजेक्शन नंबर होगा वो भी आपको भेजना है अपने एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी के साथ, अलोंग विद अदर टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। और स्क्रॉल डाउन करने पे देखिए यहाँ पे पूरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए, वन कलर्ड फोटोग्राफ जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ मेंशन किया है, डुल्ली पेस्टेड एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेसिफाइड प्लेस दिया रखा होगा, तो वहां पे आपको फोटो को चिपकाना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डेथ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो इसके लिए आप 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास डेथ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो भी वो भी आप यूज कर सकते हैं। कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ रेमिटेड एप्लीकेशन फी, जो आपने फी पे की है उसका जो है आप कॉपी लगा सकते हैं, प्रिंट लगा सकते हैं। और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी पार्टिकुलर कैटेगरी के हैं जैसे कि ओबीसी एससी एसटी के हैं, तो यहाँ पे आप जो है अपना जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी जो है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लगाना क्या होगा, अटेस्टेड फोटो कॉपी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने कहीं पर एक्सपी पोस्ट डॉक किया या आपने कहीं रिसर्च कहीं एज आर ए ज्वाइन किया है, तो उसका आपको जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस कॉपीज ऑफ रिप्रिंट्स फैनी, जो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपका कोई पब्लिकेशन जो है रिसर्च पब्लिकेशन की आप बात कर रहे हैं अगर है, तो उसका जो है आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे लगानी है, जिसे हम रिप्रिंट्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद सिनॉप्सिस सी डुली फील्ड इन द स्काई फॉर्मेट, यहाँ पे आपको सिनॉप्सिस भी जो है वो सेंड करना है। साथ ही साथ आपको एनओसी इन केस ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसके साथ ही आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी, अगर आप सपोज किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या ऑटोनोमस बॉडीज में या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको वहां से जो है एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है, एनओसी क्या है, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, मतलब कि अगर आपको कहीं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जहां पे आप काम कर रहे हैं जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या जो ऑटोनोमस बॉडी में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो वहां पे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये जो नो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये आपको इशू कराना पड़ेगा जहां पर जो है आप जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां से आप एनओसी अगर आप कहीं पे काम करें तो एनओसी जो है आपको वहां से लेना पड़ेगा और आपको सेंड करना पड़ेगा इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ, साथ ही साथ आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात और देख लीजिए, इन अकम्प्लीट एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपने फोटो के ऊपर सिग्नेचर नहीं किया है, ठीक है, या एप्लीकेशन फी की रिसिप्ट आपने नहीं लगाई है, या जो सर्टिफिकेट है जो कि एप्लीकेबल है वो आपने नहीं लगाए हैं, या मार्कशीट नहीं लगाई, तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखिए, अगर आपको फिलअप करना है तो एक अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए मोस्टली वही लोग अप्लाई करें जिनका ऑलरेडी जो है पीएचडी है उन्होंने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, इसमें एमएससी वाले जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, इनमें सिर्फ पीएचडी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एमई या एमटेक है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, रिलेवेंट सब्जेक्ट में लेकिन होना चाहिए आपका, नहीं जैसे उन्होंने एमई या एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग में बोला तो इसी में ही होना चाहिए आपका, यहाँ आई थिंक एमएससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपना वीडियो जो है यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।